आज हम रवा इडली बनाएंगे। इसके लिए 250 ग्राम मोटी सूजी ली है, ये पैकेट वाली सूजी है, बारीक सूजी नहीं लेनी है। 1.5 कप दही लेना है, ये खट्टा है। रिफाइंड ऑयल, चीनी, नमक, इनो, अगर नहीं है तो खाने का सोडा भी यूज कर सकते हैं। इसके लिए एक बाउल में सूजी, दही, आधा चम्मच नमक, 1 चम्मच चीनी और 2 चम्मच रिफाइंड डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है, इसमें 1 कड़छी पानी और डाल दिया है। अब इसको ढककर 10 मिनट के लिए रख देंगे। इसी बीच इडली बनाने के लिए मैंने एक भिगोने में 2 गिलास पानी रख दिया है। गैस को सिम रखा है। और इडली स्टैंड में ग्रीस कर लिया है। ग्रीस हमें अच्छी तरह करना है, ये तो इडली चिपक जाएंगी। 10 मिनट हो चुके हैं, अपने बैटर को चेक करते हैं। ये थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है, 1-2 कड़छी पानी और डल जाएगा। पानी धीरे धीरे कर कर ही डालें, नहीं तो इडली का घोल पतला हो जाएगा और इडली फूली फूली नहीं बनेगी, चपटी बनेगी। अगर हम इसको कड़छी से डालें तो पूरी एक साथ ही गिर जानी चाहिए। अब हम इसके अंदर 1 चम्मच इनो मिलाएंगे। इनो मिलाने के बाद इसको आधी मिनट तेज़ी से चलाएंगे। अगर आपने बैटर ज़्यादा बनाया है तो आप जितना इडली बनानी एक बार में उतनी बैटर में ही इनो मिलाएं, नहीं तो आपका बैटर ख़राब हो जाएगा। इनो मिलाने के बाद आपको तेज़ी से काम करना है, इडली स्टैंड को तेज़ी से भरते हुए। गैस को भी देख लेना है कि पानी में उबाल आ रहा है नहीं आ रहा है, गैस को तेज़ कर देना है। पानी अच्छी तरह से उबल गया है। अब हम इडली स्टैंड को इसके अंदर रख देंगे और 10 मिनट ढककर रख देंगे। हमें इसको 10 मिनट से पहले खोलकर नहीं देखना है, क्योंकि अगर हम इसको बीच में खोलेंगे तो ठंडी हवा चली जाती है और फूलने का प्रोसेस रुक जाता है। 10 मिनट बाद चेक करेंगे, टूथपिक या चाकू डालकर चेक करेंगे। टूथपिक एकदम साफ आई है। हम गैस को बंद कर देंगे और इसको ढककर 5 मिनट के लिए रख देंगे। अगर आपकी साफ नहीं आती तो 2 मिनट और रख सकते हैं। 5 मिनट बाद स्टैंड को निकाल लेंगे और ठंडा करेंगे। और एक चाकू से इडली को स्टैंड से निकाल लेंगे। थोड़ा ठंडा करने पर ही निकालें। अब मैं आपको एक इडली चेक कराती हूँ कितनी फूली हुई बनी है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने बनाने का एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।